आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। विद्युत विभाग की लापरवाही से हरदोई जिले में 3 मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पूरा मामला लोनार थाना क्षेत्र के आलियापुर गांव का है, जहां सड़क किनारे लगे खंबे में करंट आने से पास में खेल रहे 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए, जिसमें 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर है। थाना लोनार क्षेत्र के अलियापुर गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें एक बिजली के खंभे में जो सपोर्टिंग वायर थी उसमें करंट उतर जाने की वजह से 3 बच्चे उसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर के उनको पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया गया है और उनकी रिक्वेस्ट पे, घर वालों की रिक्वेस्ट पे उनका पोस्टमार्टम रात में कराने का प्रयास किया गया है और इसमें एक कमेटी CEO और एसडीएम की गठित कर दी गई है, जिससे करंट उतरने की जो एपरेंट वजह है वो पता की जा रही है और उसमें किसी की जिम्मेदारी अगर फिक्स करनी है, किसी की लापरवाही है उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यदि कहीं से कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर भी उसको मुकदमे को कायम रखने का। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भरजिया गांव में ANM और आशा बहुएं नवजात बच्चों का टीकाकरण करने पहुंची थी, जहां 8 बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के बाद एक बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले पर CMO से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव करना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि CMS अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। हमारे यहाँ 5 बच्चे आए हैं जिनको टीका लगाया गया हुआ गाँव में, जिसमें 1-2 महीने का बच्चा है जिसको डेथ हुई है, लेकिन बाकी 4 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस बच्चे की डेथ हुई है 2 महीने का बच्चा है वो, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी डेथ क्यों हुई है, क्या कारण हो सकता है। हाँ, क्या कारण नहीं, कारण कुछ भी, 2 महीने का बच्चा किसी भी कारण से मर सकता है, लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते कि टीके की वजह से मरा है वो। फैजाबाद में धन परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को खबर मिली थी कि सिंचाई विभाग की कॉलोनी में धन परिवर्तन किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पादरी सुशील को हिरासत में लिया है। पादरी का कहना है कि सभी उनके पास अपनी मर्जी से आते थे और वो किसी को भी जबरदस्ती खींच कर नहीं लाए। हालांकि ये भी सामने आया कि करीब 10% लोग सिर्फ प्रार्थना के लिए पादरी के पास जाते थे। इसमें से कोई एक बात भी सही निकले मुझे अभी अरेस्ट कर लिया जाए। अगर मैंने धन परिवर्तन कराया हो किसी को या किसी के बच्चे को मैंने जबरदस्ती लाया हो, जिसकी बच्चे हैं स्वयं पिता हैं और वो बच्चे स्वयं उनकी कह रही हैं कि मैं यहाँ पर अपने मन से आई हूँ, जो कि अभी स्वयं बताए कि मैं इनको 1 महीना बंद करके रखी, मैं उनको वहाँ खींच कर लाने नहीं गया और स्वयं यहाँ वो आ रही हैं। सर, अगर मैं इस बातों को अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि ये एक तीर्थ स्थान नहीं है, कि यहाँ मुझे चर्च नहीं चलाना चाहिए, मैं इस गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इसे कहीं चर्च के जगह पर चला सकूं और किसी ऐसी जगहों पर नहीं जहाँ पर ये अधिकार नहीं है कानून के तहत। मैं अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर चर्च चलाने की अनुमति नहीं है कानून के तहत, तो सर मैं नहीं चलाऊंगा। ये शहर में नहर कॉलोनी कैंट थाना पड़ता है, इसमें कुछ शिकायत आई थी, उसी शिकायत में CSOT साहब आए थे और उनका स्टाफ आया हुआ था। ये था कुछ ही, मतलब शिकायत यही थी कि कुछ लोग ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं हिंदुज़म टू क्रिश्चियनिटी में। लेकिन फिलहाल मैंने पूछताछ अभी किया है प्रथम दृष्टिया, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं। पूजा तो कोई किसी कर सकता है, लेकिन फिर भी इसकी जांच CSOT साहब कर रहे हैं अभी और जो भी पूछताछ की जाती है हमारे इंस्पेक्टर LIU और हमारा और स्टाफ भी लगा हुआ है इंटेलिजेंस का, जो भी इसमें पूछताछ होती है, जो तथ्यात्मक बात होती है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के खुटार मार्ग पर एक बेकाबू ट्रक भाई बहन को रौंदने के बाद खाई में पलट गया। हादसे में मासूम भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। मासूम अपने पिता के साथ ननियाल आए हुए थे और पिता के साथ ही शौच को गए थे। सूचना पर पहुंची कोतवाली पूरनपुर पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुरी में एक शख्स माचिस और शराब की बोतल लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, इसके बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 200 फीट की ऊंचाई होने की वजह से उस तक लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। टावर पर चढ़ा जितेंद्र नाम का शख्स कभी सिगरेट जलाता तो कभी बोतल मुंह से लगाकर शराब पीने लगता। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को नीचे उतारा गया। जितेंद्र के भाई ने बताया कि वो अक्सर शराब पीकर परिवार को परेशान करता है। उन्नाव में एक मकान की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे, तभी देर रात 3 बजे दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि बाकी सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक बच्ची और किशोर की हालत गंभीर बनी हुई है।
बहराइच में जमीनी विवाद के चलते एक शख्स ने पिता की निर्मम हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद से आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद के लोनी थाने क्षेत्र स्थित अशोक बिहार में एक दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। करीब आधा दर्जन लोग घटना के समय अंदर मौजूद थे। अचानक कुछ ईंटें गिरने की आहट होने पर एक सदस्य की नींद खुल गई और समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि हादसे में मकान मालिक के सिर में ईंट लगने से हल्की चोटें आई हैं। वहीं आसपास के मकानों को खाली कराया गया है। गाजियाबाद के मनन धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चलते भक्तों का आना शुरू हो गया है। यहां भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा मंदिर में रासलीला का कार्यक्रम होगा जो रात 8 बजे से लेकर श्री कृष्ण जन्म तक चलेगा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।